नमस्कार, मैं करण खुराना और क्रिकेट केसरी में आप सभी का स्वागत है। जब भी आईपीएल में लो स्कोरिंग मैच होता है तो गेंदबाजों की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा ही लो स्कोरिंग मैच जब कल रात सनराइजर हैदराबाद और किंग्स इलेवन के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया तो उस वक्त भी दोनों टीमों की तरफ से गेंदबाजों का ही दबदबा रहा और गेंदबाजों की बदौलत ही सनराइजर ने यह मैच 13 रन से जीत लिया। तो चलिए बताते हैं कल के मैच के कुछ मुख्य हेडलाइंस। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। जवाब में दिग्गज बल्लेबाज से भरी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने 19.2 ओवरों में सभी विकेट खोकर 119 रन ही बना सकी। हैदराबाद के लिए राशिद खान ने 3 विकेट लिए, जबकि संदीप शर्मा और बासिल थप्पी और शाकिब अल हसन ने 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत की अहम भूमिका निभाई। हालांकि पंजाब के अंकित राजपूत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। पंजाब की तरफ से अंकित राजपूत ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट लिए। ये तो बात हुई कल खेले गए मैच की, लेकिन आज का मुकाबला दिल्ली डेयरडेविल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में खेला जाएगा। पिछले 6 मैचों में से 5 मैच गंवा चुकी दिल्ली डेयरडेविल्स के नए कप्तान शेष अय्यर के साथ आज जब कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उतरेगी तो उसकी नजरें आईपीएल के मौजूदा सीजन में जीत की राह पर लौटने पर लगी होगी। टूर्नामेंट में अभी तक दिल्ली के ना तो बल्लेबाज चल सके हैं और ना ही गेंदबाजी में धार नजर आई है। अभी तक उसे एक मैच जीत मुंबई इंडियंस के खिलाफ मिली है, जबकि बाकी 5 मैचों में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा है। लगातार हार से परेशान आकर कप्तान गौतम गंभीर ने ना सिर्फ कप्तानी छोड़ी है बल्कि खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए सैलरी नहीं लेने का भी फैसला किया। अब उनकी जगह श्रेयस अय्यर को कमान सौंपी गई है, लिहाजा आज नए कप्तान के साथ मेजबान को भाग्य बदलने की भी उम्मीद होगी। हालांकि अय्यर को भी एहसास होगा कि उनके लिए यह राह किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। अय्यर के लिए सबसे बड़ी चुनौती टीम को एकजुट कर संतुलित प्रदर्शन करवाना है। टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई है, लेकिन अभी तक यह कागजों में सिमटी हुई है। खुद अय्यर ने बल्ले से पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि वे पंजाब के खिलाफ टीम को जीत के करीब ले जाकर भी जीत नहीं दिला पाए थे। वही केकेआर में दिनेश कार्तिक और क्रिस लिन जैसे धासु बल्लेबाज हैं, जिनके जरिए केकेआर आज जीत के साथ अंक तालिका में नंबर 4 से नंबर 3 पर पहुंचना चाहिए। वही अगर गेंदबाजी की बात करें तो डीडी के लियम प्लंकेट ने पंजाब के खिलाफ मौजूदा सत्र का पहला मैच खेलते हुए 3 विकेट लिए, जबकि ट्रेंट बोल्ट 6 मैचों के लिए 9 विकेट ले चुके हैं। वही लेग स्पिनर राहुल तेवतिया ने 6 मैचों में 6 विकेट लिए, तो कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों के सामने दिल्ली को अपने गेंदबाजों के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद होगी। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर की स्पिन तिगड़ी के सुनील नारायण ने 8 विकेट, कुलदीप यादव ने 6 विकेट और पीयूष चावला ने 5 विकेट लेकर अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि दिल्ली की किस्मत अभी तक कोई भी कप्तान नहीं बदल पाया है, ऐसे में यह टीम के इतिहास के नए पन्ने लिख पाते हैं या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। मैं करण खुराना, कैमरामैन जतिन शर्मा के साथ क्रिकेट केसरी।